अभी हिंदुस्तान की जहां तक बात है, हिंदुस्तान स्पॉइलर है, अशरफ गनी गवर्नमेंट स्पॉइलर है, क्योंकि वो लोग स्टेटस को फोर्सेस हैं और उनके बड़े मफाद था इस जो कुछ हो रहा था, और अमेरिकन मौजूदगी में उनका मफाद उनके साथ जुड़ा हुआ था। हिंदुस्तान ने वहां बैठकर हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा किया। उन्होंने बलूचिस्तान, इंडिया ने, रॉ ने और एनडीएस ने मिलकर दहशतगर्दी करवाई बलूचिस्तान में, हमारी फोर्सेस को पाक अफगान बॉर्डर पर टाई डाउन रखा, हमें 1,40,000 की करीब फौज मुकम्मल ये 2,610 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर डिप्लॉय रखनी पड़ी क्योंकि वहां से दरअंदाजी होती थी। फिर वहां बैठकर इंडिया ने एक नैरेटिव बिल्ड किया तालिबान को, अशरफ गनी गवर्नमेंट को बताने के लिए और बिलखसूस अमेरिका को बताने के लिए कि आपकी तमाम तर मुश्किलात की वजह पाकिस्तान है और पाकिस्तान में तालिबान की सेंचुरीज हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि नई दिल्ली अफगान हुकूमत की हिमायत और तालिबान की खुलकर मुखालिफत करता रहा है, ये बात तारीख का हिस्सा है। इंडिया ने 2002 से लेकर अब तक अफगानिस्तान में $3 बिलियन की सरमाया क्या कारी की।